आगे बढ़कर बात कर लेते मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा सवाल किया है। आपको बता दें कि हज हाउस के लिए सरकार पैसा क्यों दे, ये कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। जब राम मंदिर सबके चंदे के पैसे से बना है, राम मंदिर जनता के चंदे से बना है, ऐसी तुष्टिकरण की नीति पर देश नहीं चलना चाहिए। हज हाउस के लिए सरकार पैसा देती है, ये विजयवर्गीय का कहना है। इंदौर से खबर, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बनता है या राम मंदिर चलता है तो वो चंदे से, यानी कि आम जनता चंदा देती है और उसके तहत चलता है। आखिर हज यात्रा के लिए जो सरकार है वो पैसा क्यों दे? राम मंदिर कैसे बना बताइए, हम सबने चंदा इकट्ठा किया, सबने किया, सबने चंदा दिया तो राम मंदिर बना। अब यदि हज हाउस बनाना हो तो सरकार के पैसे, सरकार पैसा देगी। मतलब राम मंदिर सरकार बनाने के लिए रोकती है और हज हाउस सरकार बनाती है। क्या इस प्रकार की तुष्टिकरण की नीति के आधार पर समाज और देश चलना चाहिए क्या? इधर कैलाश विजयवर्गीय का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों की परंपरा कायम करना चाहती है कांग्रेस, ये कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह ने जाति जनगणना को जरूरी बताया था। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को बांटा, उसी तरीके से बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। तो आपको बता दें कि जाति जनगणना में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये दिग्विजय सिंह ने कहा था और इसी का पलटवार अब कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान के जरिए किया है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांट कर राज करने का प्रयास किया, उसी से सीख कर ही आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस प्रकार का ये अशांति फैलाई है। जातिगत जनगणना आवश्यक है इसलिए क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पहले जाति जनगणना का जो विरोध करने वाले थे आरएसएस, भाजपा, अब उसका समर्थन करने लगे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर जनगणना का विरोध नहीं करते कांग्रेस ने, अंग्रेजों की परंपरा कायम रख ली। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, मुट्ठी पर अंग्रेज आए और इतने बड़े देश पर शासन चलाते रहे, कांग्रेस भी इसी नीति पर चल रही है।